राजस्थान रॉयल्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए आरसीबी पर जीत दर्ज की। नई दिल्ली युवा बल्लेबाज संजू सैमसन की तूफानी पारी, नाबाद 92 रन 45 गेंद, 2 चौके और 10 छक्के और कप्तान अजिंक्य रहाणे के 36 रन 20 गेंद 6 चौके 1 छक्का की बदौलत राजस्थान रॉयल्स की टीम आईपीएल 2018 के मुकाबले में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 19 रन से हरा दिया। बेंगलुरु की आमंत्रण पर पहले बैटिंग करते हुए राजस्थान रॉयल्स टीम 20 ओवर में 4 विकेट पर 217 रन का विशाल स्कोर बनाने में सफल रही। आईपीएल 2018 का अब तक का सर्वोच्च स्कोर रहा। बेंगलुरु के सामने जीत के लिए 218 रन का विशाल काय लक्ष्य था और टीम की बहुत कुछ उम्मीद ब्रेंडन मैककुलम, एबी डिविलियर्स और कप्तान कोहली पर टिकी हुई थी। बहरहाल मैककुलम और डिविलियर्स ने इस मैच में निराश किया। विराट कोहली ने जरूर 57 रन की पारी खेली, लेकिन यह जीत दिलाने के लिहाज से नाकाफी रही। 20 ओवर में बेंगलुरु की टीम 6 विकेट पर 198 रन ही बना पाई। मनदीप सिंह 47 रन बनाकर नाबाद रहे। राजस्थान की टूर्नामेंट में यह दूसरी जीत है, जबकि विराट कोहली की आरसीबी को अपने टीम में 2 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। लाइव स्कोर यहां देखें। बेंगलुरु की पारी, विराट और मनदीप ही कर पाए संघर्ष। आरसीबी की पारी, ब्रेंडन मैककुलम और क्विंटन डिकॉक ने शुरू की। पहले ही ओवर में कृष्णप्पा गौतम ने मैककुलम 4 रन 4 गेंद 1 चौका को स्टोक्स के हाथों कैच करा दिया। पारी के दूसरे ओवर में धवल कुलकर्णी को विराट कोहली ने 3 चौके जमा दिए। इस ओवर में 14 रन बने। तीसरे ओवर में गौतम को कोहली और डिकॉक ने 1-1 चौका लगाया। ओवर में 10 रन बने। चौथे ओवर में जयदेव उनादकत को डिकॉक ने चौका लगाया। ओवर में 9 रन बने। पांचवे ओवर में डिकॉक ने गौतम को लगातार 2 चौके लगाए। 5 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर 1 विकेट पर 49 रन था। छठे ओवर में आए बेन स्टोक्स का स्वागत कोहली ने 2 चौके लगाकर किया। ओवर में 15 रन बने। 8वें ओवर में बॉलिंग को आए डासी शॉट को कोहली ने छक्का लगाया, लेकिन शॉट इस ओवर में डिकॉक 26 को उनादकट से कैच कराने में सफल हुए। अगले यानी 9वें ओवर की पहली गेंद पर सिंगल लेकर विराट कोहली ने अर्धशतक पूरा किया। यह आईपीएल में उनका 31वीं 50 रही। श्रेयस गोपाल के इस ओवर में विकेटकीपर जोस पिटल खतरनाक बल्लेबाज डिविलियर्स की स्टंपिंग मिस कर बैठे। जवाब में 10 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर 2 विकेट पर 100 रन था। 11वें ओवर में श्रेयस गोपाल ने विराट कोहली 57 रन 30 गेंद 6 चौके व 2 छक्के को शॉट से कैच करा दिया। नए बल्लेबाज मनदीप सिंह आए। कोहली के आउट होने के बाद आरसीबी की रंगती कम होती जा रही थी और वांछित रन रेट बढ़ता जा रहा था। पारी के 13वें ओवर में बी डिविलियर्स 20 रन 18 गेंद 1 चौका 1 छक्का के आउट होने से आरसीबी को संघर्ष को गहरा झटका लगा। ए बी का कैच श्रेयस गोपाल की गेंद पर उनाद कटने लपका। 14वें ओवर में मनदीप ने के गौतम को छक्का लगाया। पारी के 15वें ओवर की पहली गेंद पर पवन नेगी 3 भी चलते बने। उन्हें बेन लॉफलिन की गेंद पर विकेटकीपर बटलर ने कैच किया। जवाब में 15 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर 3 विकेट पर 134 रन था। पारी का 16वां ओवर में बेन स्टोक्स ने फेंका, इसमें केवल 6 रन बने। 17वें ओवर में उनादकट पर हमला बोलते हुए मनदीप ने 1 छक्का और 2 चौके ठोक दिए। ओवर में 17 रन बने। आखिर के 2 ओवरों में आरसीबी को 24 रन प्रति ओवर के औसत से 48 रन बनाने की जरूरत थी। 19वें ओवर में वाशिंगटन सुंदर 35 को स्टोक्स ने बोल्ड कर दिया। पारी के 20वें ओवर में मनदीप ने लॉफलिन को 3 चौके लगाए, लेकिन यह कोशिश भी टीम को जीत नहीं दिला सकी। बेंगलुरु टीम 20 ओवर में 6 विकेट 198 रन ही बना पाई। विकेट पतों 4 रन 1 मैककुलम 0.4 81 रन 2 डिकॉक 7.6 101 रन 3 विराट 10.2 114 रन 4 डिविलियर्स 12.3 126 रन 5 नेगी 14.1 182 रन 6 सुंदर 18.5। राजस्थान की पारी, सैमसन ने दिखाए अपने शॉट्स की रेंज। राजस्थान रॉयल्स की पारी, अजिंक्य रहाणे और डासी शॉट ने शुरू की। आरसीबी के लिए पहला ओवर वाशिंगटन सुंदर ने फेंका, इसमें 1 रन बना। दूसरा ओवर क्रिस वॉक्स ने फेंका, इसमें ओवर में रहाणे के चौके सहित 7 रन बने। सुंदर की तीसरे ओवर में रहाणे ने चौका और फिर छक्का जड़कर स्कोर को गति दी। ओवर में 14 रन बने। उमेश यादव की ओर से फेंके गए पारी के चौथे ओवर में 11 रन बने। 5 ओवर में राजस्थान का स्कोर बिना विकेट खोए 43 रन था। पारी के छठे ओवर में रहाणे 36 रन 20 गेंद 6 चौके 1 छक्का आसमानी शॉट लगाने की कोशिश में वोक्स की गेंद पर उमेश यादव को कैच थमा बैठे। नए बल्लेबाज संजू सैमसन आए। इसी ओवर में ही राजस्थान के 50 रन पूरे हुए। अगले यानी 7वें ओवर में स्पिनर युजवेंद्र चहल ने दूसरे अपना डॉसी शॉट 11 को भी पेवेलियन लौटा दिया। नए बल्लेबाज बेन स्टोक्स क्रीज पर आए। पारी 8वें ओवर में तेज गेंदबाज कुलवंत खेजरोलिया को सैमसन ने छक्का लगाया।
ओवर में 9 रन बने। 10 ओवर में राजस्थान का स्कोर 2 विकेट खोकर 76 रन था। पारी के 11वें ओवर में वाशिंगटन सुंदर का स्वागत सैमसन ने छक्का लगाकर किया। ओवर में 1 रन बने। 12वें ओवर में स्टोक्स ने खेजरोलिया को चौका और फिर छक्का लगाया। ओवर राजस्थान के लिए बेहद अच्छा 15 रन रहा। राजस्थान के 100 रन इस ओवर की आखिरी गेंद पर पूरे हुए। पारी के 13वें ओवर में बेन स्टोक्स 27 रन 21 गेंद 2 चौके 1 छक्का को चहल ने बोल्ड कर दिया। 15 ओवर में राजस्थान का स्कोर 3 विकेट खोकर 129 रन था। 16वें ओवर में उमेश यादव ने नो बॉल फेंकी जिस पर मिली फ्री हिट का पूरा लाभ लेते हुए सैमसन ने छक्का जमा दिया। ओवर में 13 रन बने। 17वें ओवर में उन्होंने वोक्स को छक्का लगाया और इसी ओवर में अर्धशतक पूरा किया। ओवर की आखिरी गेंद पर बटलर ने भी छक्का जड़ा। 19वें ओवर में सैमसन ने वोक्स को छक्का और 2 चौके लगाए। वैसे इस ओवर में बटल 23 रन का विकेट भी गिरा। 20वें ओवर में उमेश यादव की बुरी हालत हुई। इस ओवर में राहुल त्रिपाठी ने छक्का और चौका और संजू सैमसन ने 2 छक्के लगाए। यादव ने इस ओवर में नो बॉल भी फेंकी। इस ओवर में उमेश ने 27 रन लुटाए। संजू 92 रन 45 गेंद 2 चौके 19 छक्के और राहुल त्रिपाठी 14 रन 5 गेंद 1 चौका व 1 छक्का बनाकर नाबाद रहे। 20 ओवर में राजस्थान का स्कोर 4 विकेट पर 217 रन रहा। 49-1, 5.4, 53-2, 6.5, 102-3, 12.2, 175-4, 18.2, it's match day today. Who do you think is going to win today's toss? दूसरी ओर आरसीबी ने अपनी प्लेइंग 11 में सरफराज खान की जगह पवन नेगी को जगह दी है। यह भी पढ़ें, आईपीएल 2018 के एचएसआईपी वीएससीएसके किंग्स 11 के सामने होगी चेन्नई सुपर किंग्स की कठिन चुनौती। दूसरी तरफ बेंगलोर की टीम भी पिछले 2 मुकाबलों में सिर्फ 1 ही जीत पाई है। टीम ने शुक्रवार को किंग्स 11 पंजाब को 3 गेंद शेष रहते 4 विकेट से हराया है। इस जीत से टीम का मनोबल बढ़ा है। बेंगलों के लिए अच्छी बात यह है कि उसके विस्फोटक बल्लेबाज अब्राहम डिविलियर्स फॉर्म में लौट आए हैं। डिविलियर्स ने पंजाब के खिलाफ 50 रन बनाए थे। गेंदबाजी में उमेश यादव ने पंजाब के खिलाफ 3 विकेट झटके थे। बल्लेबाजों और गेंदबाजों के शानदार फॉर्म को देखते हुए बेंगलो अपने घर में लगातार दूसरी जीत दर्ज करना चाहेगी। वीडियो पंजाब के कप्तान अश्विन से खास बातचीत। दोनों टीमें इस प्रकार थी। राजस्थान रॉयल्स अजिंक्य रहाणे कप्तान, दासी शॉट बेन स्टोक्स, संजू सैमसन, जोस बिटल, राहुल त्रिपाठी, के गौतम, श्रेयस गोपाल, धवल कुलकर्णी, जयदेव उनादकट और बेन लॉफलिन। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु विराट कोहली कप्तान, क्विंटन डिकॉक, ब्रेंडन मैककुलम, एबी डिविलियर्स, मनदीप सिंह, वाशिंगटन सुंदर, क्रिस वोक्स, पवन नेगी, कुलवंत खेजरोलिया, उमेश यादव और युजवेंद्र चहल।